Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंक्रीट की क्वांटिटी और शटरिंग एरिया की क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं और आखिरी में वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब इसकी कितने लीटर की कैपेसिटी इसमें स्टोर होने वाली है वाटर की, वो भी हम इसमें देखेंगे। इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम इस ड्राइंग को देख रहे हैं, इसमें क्या है कि प्लान देखने को आपको मिल रहा है, ये ओवरहेड वाटर टैंक का है और साथ ही साथ इसमें पर्सपेक्टिव व्यू भी आपको देखने को मिल रहा है। पर्सपेक्टिव व्यू मतलब इसमें आपको नीचे सब स्ट्रक्चर पार्ट से लेकर के सुपर स्ट्रक्चर पार्ट भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये आपको मैन होल देखने को मिल रहा है, 0.5 मीटर टू 0.5 मीटर है ये। इसको समझने के लिए मैं एक बॉक्स की मदद लेना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप समझे कि अगर ये बॉक्स वाटर टैंक है तो ये इसकी एक वॉल, ये इसकी एक वॉल, ये इसकी एक वॉल और ये इसकी एक वॉल है और यहाँ पर एक इसकी बॉटम स्लैब आएगी और यहाँ पे इसका टॉप स्लैब आएगा और टॉप स्लैब में यहाँ पे इसका कवर आएगा। तो इसके प्लान को देखते हैं हम लोग। 2500 x 2800 है, 2.8 मीटर x 2.5 मीटर। इस ड्राइंग पे जितनी भी रीडिंग लिखी हुई है सारी रीडिंग क्या है, मीटर्स में लिखी हुई है। तो ये आप देख पा रहे हैं 0.5 मीटर x 0.5 मीटर है। तो इसका प्लान व्यू दिख रहा है, इसका लेंथ और विड्थ। तो आगे हम देखते हैं, ये इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है। अगर इस वाटर टैंक को मैं बीच से काट दूं तो ये कैसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार का। इसका टॉप स्लैब भी दिखेगा और इसका बॉटम स्लैब भी, और ये जो आपको ड्रॉप बीम दिख रही है, ये कॉलम टू कॉलम जो बीम कनेक्ट हो रही है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ड्रॉप बीम बोल रहा हूँ। और फिर ये कॉलम पे रेस्ट करेगा, ये जो इसका बॉटम स्लैब है, और उसके बाद नीचे इसकी फुटिंग आएगी। तो इसकी जो डेप्थ रहेगी वो कितनी रहेगी, 1.5 मीटर, और टॉप स्लैब की जो डेप्थ है वो 0.15 मीटर, कहने का मतलब 150 mm इसकी टॉप स्लैब की थिकनेस होगी और जो बॉटम स्लैब है उसकी थिकनेस 0.15 मीटर। और इसकी जो वर्टिकल वॉल है, ये आप इसको हम कंसीडर कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल वॉल और इसको हम कंसीडर कर सकते हैं वर्टिकल वॉल, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसका, अगर मैं प्लान देखूं ओवरहेड वाटर टैंक का, तो इसका जो डायमेंशन है लेंथ और वेट 2.5 मीटर x 2.8 मीटर है। तो इसका अगर मैं निकालूं बॉटम स्लैब का कंक्रीट की क्वांटिटी, तो बॉटम वाली जो स्लैब है इसकी कंक्रीट निकालने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा, लेंथ विड्थ और इसकी थिकनेस। तो लेंथ विड्थ और इसकी जो थिकनेस मतलब वही डेप्थ की बात कर रहे हैं हम, तो 2.5 x 2.8 x 0.15 मीटर, तो इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी हो जा रही है, 1.05 मीटर क्यूब। तो ये हमारा कॉन्क्रीट का क्वांटिटी निकला, किसका, बॉटम स्लैब के लिए। आगे हम देखते हैं शटरिंग एरिया। शटरिंग एरिया इस बॉटम वाली स्लैब है, इसका शटरिंग एरिया अगर मुझे निकालना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा कि इस स्लैब के लिए पहले पेरीमीटर पे मुझे लगाना पड़ेगा। पेरीमीटर पे लगाने के लिए ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू टू करना पड़ेगा। लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू टू किया गया और इसकी जो डेप्थ है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू डी प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब यहाँ पे भी तो आपका शटरिंग आएगा। तो ये शटरिंग वाला एरिया के लिए हमने टोटल लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया है, तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा, 8.59 स्क्वायर मीटर टोटल जो है शटरिंग का एरिया मिल जाएगा। उसी के साथ ये बॉटम स्लैब है इसलिए हम इस पर कवर जो है माइनस नहीं कर रहे हैं, टॉप स्लैब में हमको कवर भी माइनस करना पड़ेगा। तो बॉटम स्लैब का हमारा कितना एरिया आ गया, 8.59 स्क्वायर मीटर। फिर मैं बात करूँ टॉप स्लैब, टॉप स्लैब के लिए अगर हम कंक्रीट की क्वांटिटी निकालें तो उसके लिए भी लेंथ विड्थ और हाइट चाहिए होगा, तो 2.5 2.8 और उसकी टॉप स्लैब की थिकनेस 0.15, कहने का मतलब 150 mm, तो उसकी भी जो क्वांटिटी है वो कितनी आ गई, 1.05 मीटर क्यूब। फिर हम क्या निकालेंगे, शटरिंग एरिया। इसके लिए भी जब आप शटरिंग निकालेंगे, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि यहाँ पर कवर, ये हमको मैनहोल बोलते हैं, इसको मैनहोल हमको देना पड़ता है ताकि इन फ्यूचर कभी आपको वाटर टैंक की सफाई वगैरह करानी है तो वहाँ से आदमी घुस करके प्रॉपर वे में क्लीन कर सके, तो इसको मैनहोल भी बोला जाता है। तो उसके लिए टॉप स्लैब की कॉन्क्रीट हमने निकाल लिया था, अब हम देखेंगे शटरिंग एरिया। शटरिंग एरिया टॉप स्लैब के लिए अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए भी सेम कैलकुलेशन आएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू टू इंटू डाया, उसके बाद ये प्लस एल इंटू बी इंटरनल डायमेंशन, जो हम निकाल के आ रहे हैं शटरिंग एरिया, टॉप स्लैब का शटरिंग एरिया, तो इंटरनल वाला डायमेंशन आएगा, इसकी जो हमारी वॉल है उसकी थिकनेस माइनस हो जाएगी। वॉल की थिकनेस कितनी है, 200 mm, है ना, तो 200 mm से माइनस हो जाएगा, एक साइड से 200 दूसरे साइड से भी 200, इसलिए यहाँ पे
2500 की जगह क्या है 2100 है, 2.1 मीटर है। तो दूसरा डायमेंशन क्या था हमारा 2800 में से भी 200 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 2400। तो इसको डिटेल में आप एक बार पॉज करके देखेंगे तो आपको क्लियर वे में समझ पे आ जाएगा। 0.5 प्लस 0.5 आपका किस चीज़ का है, ये आपका कवर का है। यहाँ पे भी तो आपको शटरिंग इस तरीके से लगाना पड़ेगा तभी तो अलग अलग आप उसकी क्वांटिटी निकाल पाएंगे। 0.5 प्लस 0.5 इंटू 2 करेंगे तो चारों साइड का आ जाएगा और स्लैब की जो थिकनेस है 0.15 मीटर। तो इस तरीके से आप क्या निकाल पाएंगे शटरिंग जो कि निकल के आई है कितनी 6.93 स्क्वायर मीटर। ये तो हमने निकाला क्या टॉप स्लैब निकाल लिया बॉटम स्लैब निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है इसके वॉल्स का क्वांटिटी निकालनी है। तो वॉल्स में जो क्वांटिटी आने वाली ये बन किससे रहा है आरसीसी स्ट्रक्चर है ये रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट ये स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो इसके लिए मुझे कॉन्क्रीट का जो वॉल्यूम निकालना है तो इस वॉल के लिए अगर मैं बोलूँ ये हॉरिजेंटल एक्सिस है ये जो है ये आपका हॉरिजेंटल एक्सिस है तो ये दो टुक दिख रही है आपको वॉल। उसी तरीके से वर्टिकल वाली अगर मैं इसको समझूं तो ये भी दो दिख रही है तो मैं एक का निकाल लूंगा इंटू टू करूंगा तो दोनों निकल जाएगा। तो वही आपका यहाँ पे कॉन्क्रीट है लेंथ विड्थ हाइट। अब इस वॉल को निकालना है तो ये मेरा लेंथ और ये मेरा डेप्थ और इसकी थिकनेस होगी वॉल की जो कि कितनी है 0.2। तो वही चीज़ है ये 2.5 इंटू 0.2 इंटू 1.5 मीटर और कितने नंबर ऑफ वॉल है एक और ये दो तो कितने हो गए इंटू टू तो कितना आ गया 1.5 मीटर क्यूब। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसी चीज़ का शटरिंग, इसका हम शटरिंग निकालेंगे। तो शटरिंग निकालने के लिए लेंथ इंटू डेप्थ है ना शटरिंग यहाँ पे ऐसे लगेगी तो लेंथ इंटू डेप्थ लगेगी इंटू टू दोनों साइड से लगेगा इंटू टू करेंगे और नंबर ऑफ वॉल कितनी है 1 और 2 तो इसलिए दो बार इंटू टू हुआ है तो कितना आ गया इसका 15 स्क्वायर मीटर। तो ये आपका शटरिंग एरिया आ गया। शटरिंग एरिया निकालने के बाद वॉल अलोंग वर्टिकल एक्सिस या हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग जो वॉल थी आपने निकाला अब आप क्या निकालेंगे वर्टिकल के अलोंग जो वॉल है वो भी सेम निकलेगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ नंबर ऑफ वॉल जितनी भी कितनी है दो वॉल्स हैं तो इंटू टू हो गया है तो 1.44 मीटर क्यूब। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल दिल्ली लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर यूर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है जल्दी कीजिए। अब हम देखेंगे शटरिंग। तो शटरिंग एरिया लेंथ इंटू डेप्थ आएगा इंटू टू इंटू नंबर ऑफ वॉल जैसे हम लोग पिछले बार देखे थे तो इसकी भी क्वांटिटी आ गई 14.4 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने टोटल कंक्रीट की क्वांटिटी और शटरिंग की कंक्रीट हमने निकाल ली। तो टोटल अब सबको एडअप कर लेंगे तो हमको टोटल कंक्रीट की वॉल्यूम मिल जाएगी। टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट तो 1.05 1.05 1.5 और 1.44 जो कि 5.04 मीटर क्यूब होती है। तो सेकेंडली हमने क्या कैलकुलेट किया शटरिंग को कैलकुलेट किया तो शटरिंग की जो वैल्यू आ रही है कितनी है 8.59 प्लस 6.93 प्लस 15 प्लस 14.4 जो कि टोटल है 44.92 स्क्वायर मीटर। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं राउंड ऑफ पे 45 स्क्वायर मीटर। तो मोड ऑफ मेजरमेंट आपको पता होगा कि शटरिंग के लिए हम स्क्वायर मीटर यूज़ करते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि कॉन्क्रीट की क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है और शटरिंग की। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कितना लीटर ऑफ पानी इस टैंक में आने वाला है वो सारी चीज़ों को। तो और भी क्या क्या स्किल आपको आना चाहिए हम उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी स्किल आपको करियर में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है हम उस चीज़ के लिए बात करने वाले हैं कि जैसा कि आपको प्रैक्टिकल स्किल प्रैक्टिकली आपको क्या क्या आना चाहिए। कोई एक प्रोजेक्ट है तो उसका आपको एस्टीमेट निकालना आना चाहिए जो कि आप सीखते हैं एस्टीमेशन में। बिलिंग इंजीनियरिंग आप एस्टीमेट तो निकाल लिए जब एग्जीक्यूट हो जाएगा वो प्रोजेक्ट तो उसके बाद उसकी बिलिंग करने आपको आनी चाहिए। तो उसमें वो चीज़ आप कहाँ से सीखते हैं बिलिंग इंजीनियरिंग में सीखते हैं। उसके बाद जो है कि क्वांटिटी सर्वे जैसे अभी हमने क्वांटिटी एक तरह से क्वांटिटी सर्वे ही किया है ना तो उस चीज़ के लिए आपको पूरे प्रोजेक्ट का करने आना चाहिए। उसी तरीके से रेट एनालिसिस उस क्वांटिटी का आप रेट से मल्टीप्लाई करते हैं कैसे क्या क्या चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है उसको आप डीपली इसमें सीखते हैं। फिर आपका बार बेंडिंग शेड्यूल आता है कि आप कितने अमाउंट अब जैसे आरसीसी स्ट्रक्चर आपने बनाया तो आरसीसी स्ट्रक्चर में उसमें आपका लोहा भी लगेगा तो वो लोहा क्या रेट चल रहा है कितना बेंड में कटना है कितने बैंड में कटने के बाद क्या डिडक्शन होने वाले हैं वो सारी चीज़ आप बेसिकली इसमें सीखते हैं अकॉर्डिंग टू CPWD नॉर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग भी आप सीखते हैं जब आप मान लीजिए किसी क्लाइंट से आपने प्रोजेक्ट लिया हुआ है तो उस
प्रोजेक्ट में क्या क्या एग्रीमेंट हो सकता है, वो सारी चीज़ें आप इसमें बेसिकली सीखते हैं। कैसे टेंडर को भरना है, कैसे कितने अमाउंट ऑफ वर्क में उसको उठाना है, वो सारी चीज़ आप टेंडरिंग में सीखते हैं। उसके बाद आपको और क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर स्किल में आपको ऑटो कैड रेविट आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, रेविट आर्किटेक्चर, गूगल स्केचअप, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ई टैब, स्ट्रक्चरल एंड रिज्यूम मेकिंग, ये सारी चीज़ एक सिविल इंजीनियर को आनी चाहिए। ये आपको कहीं से भी अगर आपको सीखने को मिल रही है तो आप सीख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये सारी चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सिविल गुरुजी द्वारा ही दिया जाएगा। तो ऑनलाइन का जो फीस है वो 60,000 रुपये वर्थ है, लेकिन अभी लिमिटेड टाइम के लिए जो ऑफ़र चलाया गया है वो 14,847 रुपये के लिए आपको दिया गया है। ऑफलाइन के माध्यम में अगर आप आना चाहेंगे तो 47,200 रुपये टोटल फीस है, लेकिन आपको ये 60% ऑफ में मिलेगा। तो ऑनलाइन के माध्यम से आपको ये मिलेगा कैसे, ये कम में क्यों, क्योंकि आपको गुरुजी कोड यूज़ करना है तभी आपको ये चीज़ 14,847 में लिमिटेड टाइम के लिए आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ एक खुशखबरी और है, आपको ये सारी चीज़ें जो कि क्या है, स्टैट प्रो, 3ds मैक्स, प्राइमावेरा, DPR एंड जॉब डिटेक्टिव कोर्स, जो कि बहुत ज़रूरी होता है एक सिविल इंजीनियर के लिए, ये आपको एड ऑन करके फ्री में दिया जा रहा है। तो जल्दी करिए अभी कोर्स लेने के लिए, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दिया गया है, उसको जा करके कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आइए हम अपने टॉपिक के तरफ वापस चलते हैं। ओवरहेड वाटर टैंक, जो वाटर का जो कैलकुलेशन रहेगा, जो है ना वाटर का कैलकुलेशन, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ सम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, जो मतलब इसमें कितनी कैपेसिटी आने वाली है उसको निकालने के लिए हम उसको वॉल्यूम निकाल लेंगे उस टैंक का, तो उसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको इंटरनल, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, तो 2.1 × 2.4 × 1.5 meters, तो 7.56 मीटर क्यूब इसकी टोटल कैपेसिटी है। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 1 meter cube के लिए मैं बताऊँ आपको, 1000 liter पानी आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, और एक क्यूबिक फिट के लिए 28.34 लीटर आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर 1 meter cube के लिए आप 1000 liter स्टोर कर रहे हैं तो 7.56 के लिए कितना करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 1000, तो 7560 लीटर आप उसमें स्टोर कर पाएंगे। और एक स्टैंडर्ड डेटा है जो कि टैंक, कोई भी टैंकर की कैपेसिटी होती है 5000 लीटर उसमें एक टैंकर में आ पाता है। अगर टैंकर के माध्यम से हम अपना ओवरहेड टैंक को फिल करें तो कितने नंबर ऑफ टैंकर लगेंगे, उसके लिए 7560 को हमको डिवाइड करना पड़ेगा 5000 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1.512 जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट आता है 2 टैंकर के लिए। तो इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी, एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर यूर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।